हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस रेणुका। गाइस नवरात्र इज कमिंग। नवरात्र के अवसर में मैंने यहाँ पे किए हैं दो मेकअप लुक क्रिएट। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे, स्किन पे देख सकते हो, आपको जो पसंद हो आप वो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद टोनर लगाना है। टोनर लगाने के बाद आप करोगे अपने फेस को मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे लिया पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप लगाइएगा सीरम और फिर इसके बाद लगाइएगा मॉइस्चराइजर। अगर आपके ऑयली स्किन है तो गाइस आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, क्योंकि समर आ रहे हैं और आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपको मॉइस्चराइजर को स्किप कर देना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने लिप को प्रैप। लिप को प्रैप करना बहुत ज़रूरी है गाइस, तो लिप प्रैप कर लीजिए। और गाय देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड का है ये प्राइमर, काफ़ी अच्छा प्राइमर, क्योंकि समर चल रहा है तो समर हमारे मेकअप को भी बाहर ले जाता है, आप सभी को पता है। तो अगर आपके फेस पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको प्राइमर जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि आपके ओपन पोर सिंक हो जाए। दो मिनट को आपको छोड़ना है प्राइमर लगाने के बाद अपना फेस, उसके बाद ही आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ मैं 03 शेड, यह है इनसाइड का फाउंडेशन, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो गाइस आपको ये फाउंडेशन का जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बना देता है। और डैम ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है गाइस, और अपने नेक पर और अपने ईयर पे भी फाउंडेशन को जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर। अगर आपके बहुत डार्क सर्कल है तो गाइस आपको कलर करेक्टर ऑरेंज का लगाना चाहिए, वो भी फाउंडेशन लगाने से पहले। अगर आपका डार्क सर्कल कम है तो आप फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर का यूज कर सकते हो। आपको अपने हाइलाइटिंग वाले पार्ट पे भी कंसीलर का यूज करना चाहिए। उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। गाइस आपके अंडर आई पे ना क्रीज पड़ जाती है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था अंडर आई पे क्रीज पड़ जाता है हमारे, तो इसके लिए आपको कोई भी लूज पाउडर अपने अंडर आई पे या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर लेना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पूरे फेस पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर सकते हैं, अगर ड्राई स्किन है तो मत करिएगा कॉम्पैक्ट पाउडर का पूरे फेस पे यूज। इसके बाद हम करेंगे आईब्रो को फिल। तो आईब्रो फिल करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे लिया इनसाइड का आईब्रो फिलर। तो बहुत ज़्यादा आपको हार्श लाइन नहीं बनानी है, ओनली आपको बहुत ही हल्के हल्के स्टार्टिंग में लाइट और बाद में थोड़े से पीछे की ओर डार्क अपनी आईब्रो रखनी है। इसके बाद गाय मैंने यहाँ पे काजल लगा लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लिक्विड आई शैडो इनसाइड का, काफ़ी अच्छा लिक्विड आई शैडो है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है काजल, लाइनर को मैंने फिल कर लिया है, देख सकते हो गाय। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया गाय मस्कारा, मस्कारा जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी आँखें काफ़ी ड्रामेटिक लगती हैं। और फिर कर लेना हम कंटूर, अपने पूरे फेस को कंटूर करेंगे। तो कंटूर करना ना काफ़ी आसान है, बट काफ़ी लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कंटूर करने में। तो गाय मेकअप भी प्रैक्टिस से ही आता है, हल्के हल्के कंटूर करोगे तो आपको भी कंटूर करना आ जाएगा, आपको कोई हार्श लाइन नहीं बनानी, बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक करके ही आपको कंटूर करना है। और गाइस एक जो एंगुलर ब्रश आता है ना, उसके हेल्प से ब्लेंड कर लेना बहुत ही हल्के हल्के हैंड से। और गाइस देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रो आप करना सीख जाओगे बहुत जल्दी ही। और आपको नोज कॉन्ट्रो के लिए आपको हल्का सा फ्लैट ब्रश होता है ना, उसकी सहायता से आपको जो भी अपने कॉन्ट्रो करिए उसको नीचे की ओर ब्लेंड कर लेना है, और अपनी ब्रिज ऑफ नोज पर थोड़ा सा लगाना है कंसीलर, जिससे कि आपकी नोज ना काफ़ी शार्प लगेगी, और जो आपके कॉन्ट्रो वाला पार्ट था उसे हाईलाइट करने के लिए आप लगा लीजिए कौन सा भी लूज पाउडर। गाइस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लशर के लिए लिपस्टिक का यूज रेड अलर्ट। तो सबसे पहले ब्लशर लगाइए, उसके बाद लिपस्टिक का यूज करिए, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है, बिल्कुल सन किस्ट जैसा लगता है आपको ये ब्लशर, बहुत अच्छी हैक है गाइज। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर तो गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप हाइलाइटर को अपने चिन पर लगाइएगा, चीक्स पर लगाइएगा, और पिगमेंटेशन गाइज टू गुड है गाइज इसकी, और अपने इनर आइज पर लगा लीजिए। अब पूरे मेकअप को हम सेट कर लेंगे फिक्सर की हेल्प से। फिक्सर कभी भी आपको मेकअप फिक्सर आपको बहुत ही अपने आँख में चेहरे के पास से नहीं लगाना है, दूर से लगाना है, जिससे क्या होगा आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। इसी रेड लिपस्टिक को हम अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लेंगे। तो गाइस यहाँ हो जाता है मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट। आई होप आपको इनमें से दो में से कोई सा मेकअप लुक जो अच्छा लगे वो आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कलर की साड़ी वेयर करी, स्टैंड और एक बड़ी सी बिंदी लगा रखी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। बताइएगा आपको मेकअप लुक क्रिएट कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको ट्राई करिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे ब्यूटी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि।